नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल और मैं आपके साथ महेंद्र वर्मा। अनूपगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ शाखा के 24 पी की टेलों से लेकर 13 के 14 के 32 ए पीजीएम टेलों की हालत बहुत सख्त। देहात मंडल अध्यक्ष एस सी मोर्चा अध्यक्ष मनजीत सिंह गिल ने बताया कि अनूपगढ़ शाखा हेड से निकाले गए पीए के वितरिका पीजीएम माइनर आदि नहरों में सरकने की कटाली आदि उगे हुए हैं, जिससे नहरों का पानी अवरुद्ध हो रहा है तथा खेतों तक पानी नहीं पहुंचा पा रहा है। इन नहरों की काफ़ी वर्षों से सफाई नहीं की गई है, जिसके कारण नहरों में सरकने उगे हुए हैं, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे टेलों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाता। टेल के किसान फसलें पानी के अभाव में सूख जाती हैं। आगे सरसों की बिजाई होनी है, जिसके लिए पर्याप्त सिंचाई पानी की आवश्यकता होगी, जिसके साथ पीएम माइनर के हेड के पास बड़ा पीपल का पेड़ लगा है, जिसके कारण हेड क्षतिग्रस्त हो गया है और हेड की दीवार टूट चुकी है तथा 10 इंच दीवार अंदर पीछे की ओर हट गई है, जिससे पीएम माइनर दोनों को नुकसान है, जिस कारण पीएम माइनर का हेड ब्लॉक होने से आधा पानी चल रहा है। देहात मंडल एससी मोर्चा अध्यक्ष मनजीत सिंह के नेतृत्व में उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की हेड पर लगे पीपल का पेड़ काटकर अन्य जगह पर लगाया जाए तथा इस हेड को दुरुस्त करवाया जाए। इसके लिए ग्रामीण हर संभव सहयोग देने को तैयार है। पीएम माइनर की हर पटड़ी पर वन विभाग द्वारा माइनर के ऊपर तक पेड़ लगा दिए गए हैं, जिससे माइनर की पटड़ी पर भर्ती करने पर पटड़ी पर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए वन विभाग सिंचाई विभाग से निवेदन है, माइनर पटड़ी की खाली जगह करवाई जाए और 24 अगस्त को माइनर में पानी आएगा तब स्वयं एसडीएम मौके पर जाकर मौके का मुआयना किया जाए। नरेगा तो कटा दियो, नरेगा का पैसा बहुत है, नरेगा तो सफाई करा दे दी, कोई प्रशासन साड़ी सुनाई नहीं करता है। हुण सानू धरना लाना पैना, अनुभवबंदी तो बाद असीं धरना ला के बैठा, एक तो नहर की सफाई होनी चाहिए, बार्डर से बैठे हैं अगे पाकिस्तान लग जाता, इन जो नरेगा लाने के कुछ भी करना है। नहरी विभाग देखो सरपंचा ने पैसा किन्ना व्यर्थ ऐ जाई जाता है, ये जो कोई रस्ते से मिट्टी सिट ली चाहे वह सिट ली, आ नहर का हाल देखना, नहर सारे सरपंचा लगती है, किनिया पंचायत लगदी है, ये कि नहीं। मेरा ही कहना मनजीदा भी ये नहर पट्टिया जावने, नहर चाहे जे सी भी लावे प्रशासन, चाहे किमें चाहे टेंडर करे, नहर कढ़ानी जरूरी है, नहीं तो पीएम हेड से धरना रखे जाना। इस टाइम में हालत है पतरौड़ा हेड की, पीएच का हेड है, देख लो हालत, देख लो टालियाँ खड़िया, आ देखो अख खड़े गिड़ गिड़े, आ देख लो मिट्टी, देख लो साइडा चिक पई, आ देखो गिड़गिड़ी मिट्टी पई है, बिल्कुल प्रशासन नहीं है। उन्हें 10वें महीने च बिजाई सरों की चालू है, अगर जो नहर ना निकली तो जिमीदार मारे जाएंगे, जमें ही पिछे नहर टुट जाती है, ये हालत ने टुटती है, पिछे 9P को नहर इतो बंद पई है, 9P को नहर टुट जाती है, फिर कहें नहर टुट गई, प्रशासन बिल्कुल नहीं सुनता गा, यदि सुनाई करे प्रशासन, नहीं तो साडा धरना नैसबंदी के धरना पीएम हेड से टैल वाले का जारी रहेगा, पोकड़ ताल रखांगे असीं, चाहे नरेगा ना लाने चाहे जे सी बी लाने चाहे कितों ही पैसे लिया, साढ़े बनी नहर की सफाई होनी चाहिए है, साढ़े को मामले के 1 रुपया भी जिमीदार आदमी को नहीं छड़ते बकाया है, 1 रुपया भी नहीं तो नहीं दो तो पानी कट्टांगे, थोड़ा यही इलाज है इन्हों का। प्रशासन को असं बहुत बारी कह चुके हैं कि सा पेड़ में हटाओ पिपल में, अरे हूँ 1 फुट की जगह रह गई है, 1.5 फुट इतों 1.5 फुट जगह रह गई है, पानी साढ़े जाता नहीं टैलों से बिल्कुल ही, इधर देखो आ बाउंड्री देखो, इतना पहला वाला हैड इतों देखो, इतों 2 फुट है, इतों 2 फुट है, उतो सारी दीवार देखो सारी बिच गई, ये पिपल में पटाना पेगा, प्रशासन ने बहुत बार कह चुके हैं पर सा गौर नहीं करी किसी ने भी, बहुत नुकसान है जी, पिपल देखो पेड़ कितना बड़ा तक्की जाता है, तो 2-4 दिन महीने के डिग जाना सारा जी, पिछे नहर देखो, पिछे कचरा देखो, नहर दे पिछले मोगे भराई पैंदी है, बिल्कुल देख लो कचरा भरी पई है, नहर कोई सुनाई नहीं करता, डिपार्टमेंट नहरी विभाग ये पिपल का बहुत बार कह चुके हैं, किसी ने साड़ी सुनाई नहीं करेगी, साड़ा सुनाई ना करी तगली आ बंदी तो असी धरना लावांगे, धरना ला के बैठांगे, पोखड़ ताल ते बैठांगे, 8 दिन नहर चलूगी, 8 दिन बंदी तो बाद धरना ला के बैठांगे, असी
कल SDM साहब नु क्या भी आओ इधर देखो इधर बन भी भाग दे इधर कम देखो इधर ਬਨਵੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਬਨਵੀ ਬਾਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੇੜ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹਿਰ ਬਨਵੀ ਬਾਗ ਨੇ ਜਮਾਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪਟੜੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ ਨਾ ਸਾਧਨ ਚੱਲ ਇਹ ਚਾਰ ਮੋਗਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨਰ ਆ PM AB 2 PM 3 PM मजबूर होए पे असी साढ़े हुण पानी आ बरसात ने बचाता नहीं तो पानी दी एड्डी खलसाल दी छड़ दे प्रशासन ने साड़ी सुनाई ना करी तो असीं धरना ला के बैठांगे बंदी च अठ दिन पानी आ जू अठ दिन तो बाद धरना ला के बैठा कुकड़ताल से बैठांगे 10 चक्कां दा एरिया बंदा है साड़ी प्रशासन सुनाई करे इहनूं पटावे SDM साहब पटावे ਸਚਿਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਦੀ ਸੋਨਾ ਸੈਂਤੀ ਹੈਂਡ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ PH PM NR K NR ਚਾਰ MSR ਮੈਨਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੀ ਮੋਰਚਾ ਦਿਹਾਤ ਮੰਡਲ ਦੇਖਸਾਂ BJP ਭਾਜਪਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਨੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਇਹਦੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਣੇ ਬਹੁਤ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਤਹਿ ਕਢਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਢਾਉਣ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਕੜੇ ਆ ਸਰਕਣੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਬੁੱਝੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਫਿਰ ਦੁਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਗੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ SDM ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ SDM ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ PM ਮੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀ ਦਾ ਅਤੇ PM ਦਾ ਮੈਨਰ ਹੈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਪੇੜ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਪਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ PM ਮੈਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟੜੀ ਆ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਵੇ ਧੰਨਵਾਦ।